My precious brothers, sisters, and darling children, may you have a wonderful day today. मेरे अनमोल भाई, बहन और छोटे बच्चे, आपका दिन बहुत ही आनंदमय हो. Today's promise from the scripture says, आज का प्रतिज्ञा वचन जो शास्त्र में पाया जाता है, Blessed are those whose help is the God of Jacob. क्या ही धन्य वो है जिनका सहायक याकूब का परमेश्वर है. Whose hope is in the Lord their God. और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है. Yes, God's help comes from the God of Jacob. जी हाँ, परमेश्वर की मदद याकूब की परमेश्वर की ओर से आती है. But your hope comes from the Lord your God. लेकिन आपका आशा आपका परमेश्वर से ही आता है. Yes, the God of Jacob. जी हाँ, याकूब का परमेश्वर. When Jacob lost everything, जब याकूब सब कुछ खो बैठे थे, he was even sent away by his parents so that he would not be killed by his jealous brother. उनको उनके माँबाप जो है बहुत दूर भगा दिए थे ताकि उनके जो जलन रखने वाले भाई थे उनके हाथ से मारा ना जाए. Nobody accompanying him. उनके साथ कोई भी नहीं था. All alone. अकेले थे बिल्कुल. In the midst of the night, darkness surrounding him. रात के अंधियारा उनको घेर लिया था. As he put a stone to be his pillow. एक पत्थर को अपने तकिया के रूप में वो रखे थे. And laid down. और उसके ऊपर लेट गए थे. God appeared to him. परमेश्वर उनके सामने प्रकाशित हुए. As his help. उनकी मददगार के रूप में. And showed him the stairs on which he had to walk to rise to great heights. और वो सीढ़ी दिखाए जिसके माध्यम से चल के उनको बहुत ही ऊंचाई की ओर आगे बढ़ना था. God said, My son, you will not be on this flat ground with a hard pillow. परमेश्वर ने कहा, मेरा पुत्र, इस जमीन पे आप नहीं रहोगे, आपके सर के ऊपर कोई कठिन तकिया नहीं रहेगा. There are steps before you which are going to take you higher and higher and higher. आपके सामने सीढ़ियां हैं जो आपको ऊंचाई और ऊंचाई की ओर लेके चलेगा. And I will be on top, watching over you. और मैं ऊपर रह के तुम्हारे ऊपर निगरानी रखूंगा. To help you along the way. और रास्ते में मैं तुम्हारा मददगार बनूंगा. And to bring you to the place which I have prepared for you. और जो स्थान का तैयारी मैंने तुम्हारे लिए किया है, उस स्थान की ओर मैं तुमको लेके चलूंगा. That's what he says in Exodus 23:20. वही बात उन्होंने निर्गमन 23:20 में लिखा है. Things may be hard on your head now. आपके सर के ऊपर कठिन बोझ होगा. Maybe there is darkness all around. शायद आपके चारों तरफ अंधियारा होगा. Maybe you're all alone. शायद आप सबसे अकेले हैं. But then the Lord says. लेकिन परमेश्वर कहते हैं. I am giving you a dream. मैं तुमको एक सपना दे रहा हूँ. And I will be with you to help you fulfill that dream. और मैं तुम्हारे संग रहूंगा ताकि वो सपना जो है तुम्हारे जीवन में साकार हो जाए. Following that, और उसका पीछा करते करते, even though his uncle and his wife's brothers were jealous of him because God blessed him and increased him. हालांकि उनके मामा और उनके पत्नी के भाई जो है उनके खिलाफ जल रहे थे क्योंकि परमेश्वर उनको बहुत ही आशीषित किया था. Even though his own brother was determined to kill him. And was coming towards him. उनके भाई जो है उनको मारने के लिए तैयार थे, उनके खिलाफ आ रहे थे. God turned both of them in his favor, in Jacob's favor. परमेश्वर उन दोनों को याकूब का पक्ष में कर दिए. And both of them saw the prosperity that God had given him. और उन दोनों परमेश्वर ने उनके जीवन में जो उन्नति किया था उस उन्नति को देख लिए थे. And God made them bless him. और परमेश्वर ने उनको याकूब को आशीष देने के लिए मदद किया. They could not harm him. और वो उनको हानि नहीं पहुंचा सके. Jacob multiplied in his family. लेकिन याकूब अपने परिवार में बहुगुणित हो गए. The man who was lonely had 12 children. जो व्यक्ति बिल्कुल अकेले थे उनको 12 बच्चा पैदा हुआ. 12 tribes. 12 गोत्र पैदा हुआ. And he had great riches. और उनके पास बहुत ही धन आ गया. And he had God with him whenever he sought him. और जब भी उन्होंने परमेश्वर को तलाश किया, परमेश्वर उनके सामने प्रकट हुए. And God named him Israel,
एंड गेव हिम अ नेशन इन हिज नेम। और परमेश्वर ने उनके नाम को इज़राइल दिया और उनके नाम के अनुसार एक बड़ा राष्ट्र को स्थापित किया। यू विल इंक्रीज एज़ गॉड हेल्प्स यू। जब परमेश्वर आपकी मदद करेंगे आप बढ़ते चले जाएंगे। मे योर होप बी इन योर गॉड, ही इज विथ यू। आपका उम्मीद आपका परमेश्वर जो आपके संग है उनके ऊपर टिका रहे। फादर, पिता, टेक अवे द हार्ड स्टोन व्हिच इज ऑन देयर हेड। पिता, उनके सर के ऊपर जो कठिन पत्थर है उसको आप हटा ले। गिव देम पीपल टू कम एंड लव देम एंड हेल्प देम। उनको लोग दे जो आके उनसे प्रेम करें, उनकी मदद करें। गिव देम अ ड्रीम, गिव देम अ विजन। उनको एक सपना दे, उनको एक दर्शन दे। अ ड्रीम टू लीड देम स्टेप बाय स्टेप to the highest levels. एक ऐसा सपना दे ताकि कदम कदम उनकी अगुवाई करके ऊंचाई की ओर उनको लेके जाए। And let them see a vision to know what to do, how to multiply the sheep. और उनको एक दर्शन दे ताकि वो जान जाए उनको क्या करना है, किस तरह से भेड़ों को बहुगुणित करना है। And appear to them as God so that you would lay your hands and bless them and make them a nation. उनके सामने परमेश्वर के रूप में प्रकट हो जाए ताकि उनके सर में आप हाथ रखे, उनको आशीष दे, उनको एक देश के रूप में परिवर्तित कर दे। In Jesus name, यीशु के नाम से, let this day be blessed. ये दिन उनके लिए आशीषमय हो जाए। Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।